आज का मेरा ये रेमेडी अपने चेहरे पर लगा लीजिए, आपको कोई भी ब्लीच, डिटैन या कोई भी फेशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ 5 मिनट में आपको मिलेगा बिल्कुल जादुई निखार। एग्जैक्टली, आज का रेमेडी इतना पावरफुल है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप हैं, बहुत इजी है। घर में रखी हुई चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है अपने स्किन पर। कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है या फिर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, किसी भी स्किन टाइप में, किसी भी मौसम में आप इस रेमेडी को यूज करके देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या रिजल्ट रहा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको मैं बताना चाहती हूँ, जो आपने ध्यान से फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने पूरे दिन में जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपने 2 ग्लास गर्म पानी पीना है और रात को सोने से पहले 1 से 1.5 ग्लास गर्म पानी पीना है। अब आप मुझे क्वेश्चन करेंगे ऐसा क्यों और फेस से क्या लेना देना। देखिए, जब हम सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं या रात को सोने से पहले पीते हैं तो जो भी हम खाते हैं वो में अच्छे से पच जाता है। पचने के बाद जब हम अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी गंदगी नहीं रहती है और जब हमारी बॉडी अंदर से साफ होगी तभी हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा ग्लो दिखेगा, पिगमेंटेशन नहीं होगी, डलनेस नहीं दिखेगी। इस चीज का बहुत आपने ध्यान रखना है। टिप नंबर 2 ये है कि आपने हफ्ते में 2 से 3 बार हरी सब्जियां, पालक, मेथी, जो भी हरी हरी सब्जियां हैं उनका सेवन जरूर करना है क्योंकि उसमें होता है भरपूर मात्रा में आयरन। अगर आपकी बॉडी में जब आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके डार्क सर्कल्स नहीं होते, आपकी स्किन पर नेचुरली ग्लो रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने करनी है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि हाथों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं, सिर्फ यानी स्क्रॉलिंग नहीं करनी बैठकर, बल्कि अपने पैरों पर चलना शुरू करना है। बहुत सारे लोग हम आलसियों की तरह घर में पड़े रहते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खा लेते हैं। आपको कम से कम 45 मिनट की वॉक करनी है या आपको योग आसन करना है, व्यायाम करना है, या आप मेरे चैनल में से कोई भी एक्सरसाइज की वीडियो ले सकते हैं और हर दिन कोई नए बॉडी पार्ट की कर सकते हैं। अब उसका क्या लिंक है फेस से? उसका लिंक ये है कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का जो खून का दौरा है वो बहुत तेजी से होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मसल्स हैं वो जल्दी रिपेयर होती हैं, आपकी स्किन जल्दी से बूढ़ी नहीं होगी, आपकी स्किन पे नेचुरली कलर जो है वो इनहांस रहेगा और ग्लो रहेगा। अब आ जाते हैं अपनी मेन चीज पर, रेमेडी पर। जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने ले लिया है, आलू छील लिया है, धो लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने आलू को जो कद्दूकस किया है इसका हम जूस निकाल लेंगे। अगर ये जूस आपका बच जाए, क्योंकि सारा यूज तो नहीं होगा, अभी इंस्टेंट है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, फेंकेंगे नहीं, कि काला हो जाता है तो आपने क्या करना है, बाथरूम में जाना है, अपनी पूरी बॉडी पे, बाजू वगैरह पे, कोहनी पे, घुटने पे आपने इसको अच्छे से ना रब कर लेना है। ठीक है, रब करके आप इसको छोड़ दीजिए बॉडी पर 1 घंटे के, देन उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये आपकी बहुत अच्छे से टैनिंग को रिमूव करता है, ब्लीचिंग का काम करता है और ट्रस्ट मी, आपका जितना भी एक्स्ट्रा आपके फेस पे गंदगी है ना उसको बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने फेस पर हम अच्छे से रब करेंगे। इसमें हमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी, डायरेक्टली हमें आलू के जूस को अपने फेस पर कम से कम 10 मिनट तक रब करना है। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर आप कॉटन की हेल्प से या फिर अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से खुद से अपने फेस पे, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, एज इट इज आपने इसको रब करना है। कम से कम 10 मिनट तक आपको इसको रब करना है। 10 मिनट बाद जब आप अपना चेहरा पानी से धोएंगे तो आप मुझे खुद ब खुद कमेंट करके बताना कि आपको क्या डिफरेंस दिखा। मतलब जो आपकी स्किन में बिल्कुल डेड लेयर थी ये उसको हटा देगा, आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी थी, व्हाइट हेड्स थे, वो सब चीजें हट जाएंगी, आपकी स्किन का कलर एकदम अलग से ही निकल कर आएगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा शाइन करेगी। अब यहाँ पर मेरे को 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं रब करते हुए, अब अपने मैं चेहरे को ठंडे पानी से धो लूंगी। हमेशा ध्यान रखना है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, आपने अपने फेस को अगर आप बाहर जा रहे हैं तो गर्म पानी से कभी भी नहीं धोना, क्योंकि गर्म पानी से हमारे पोर जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जब हम बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी डस्ट जो है बहुत जल्दी हमारी स्किन में इंसर्ट हो जाती है, जिससे कि वो पिंपल, एक्ने और ओपन पोर्स की समस्या देती है। जब आप बाहर जा रहे हैं तो ठंडे पानी से धोएं विंडोज में, अदरवाइज अगर घर पर हैं तो नॉर्मल लुकवार्म वाटर से आप धो सकते हैं। इसको अपना आप ऑल्टरनेटिव वे का क्लिंजर बना लीजिए। जो हम इतने महंगे महंगे सो कॉल्ड मार्केट में क्लिंजर्स आते हैं ना, जो क्लेम करते हैं आपकी स्किन से सारी इंप्योरिटीज को हटाएंगे, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट भी देते हैं एक टाइम में जाकर,
और जितने का वो क्लिंजर आता है 250 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है, अगर अच्छे ब्रांड में अगर आप जाएंगे, लोकलाइज तो आ जाते हैं, 90 के भी आते हैं, 80 के भी आते हैं, तो अगर आप ब्रांड में जाएंगे तो 250 से स्टार्टिंग है। 250 में सोचिए आप कितने सारे आलू खरीद कर रोज अपने अच्छे से फेस को क्लिंज कर सकते हैं, और अपने मार्केट वाले क्लिंजर को लगा के देखना और मेरे इस क्लिंजर को लगा के देखना। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप हैरान हो जाओगे कि मेरा वाला क्लिंजर फार फार बेटर है मार्केट में मिलने वाले क्लिंजर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने स्टेप टू पर। हम लेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन आपके लिए एकदम नेचुरल क्लिंजर का काम करता है। मैं आपको कहूंगी आप दुनिया को कोई भी फेस वॉश यूज करके छोड़ दीजिए, लेकिन बेसन को यूज करना मत छोड़िए, बिकॉज जो बेसन होता है आपके पोर्स में जाकर डीपली आपकी स्किन से जितनी भी डेड लेयर है, जितनी भी गंदगी है, उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो यहाँ पर मैं 2 स्पून्स ले रही हूँ। आप इसको अपने नेक पर, बॉडी पर, कहीं भी यूज कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट नहाते हुए कभी कभार बेसन में नींबू मिलाकर ले जाया करो, और नहाने से पहले अगर सोप यूज़ नहीं करना, जैसे अगर आपने कोई जिमिंग नहीं करा, कोई आपको स्वेट नहीं आया बॉडी पर, तो आप एक दिन साबुन लगाइए और एक दिन बेसन और नींबू से आप नहा लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी नेचुरली स्किन इतनी अच्छे से क्लेंज होगी। लेकिन बेसन हल्का सा ड्राई कर देता है, तो उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना है। अब जो हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट रहेगा वो रहेगा लेमन। तो मैं इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज करूंगी। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप करके टमाटो जूस ले सकते हैं। टमाटो जूस भी अगर आपको सूट नहीं करता तो आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपको सूट करता है ना तो प्लीज़ लेमन को स्किप मत करना, बिकॉज ये एक्चुअल में आपके फेस की जितनी भी डलनेस है ना, टैनिंग है, उसको इतने अच्छे से निकालता है कि इसका सब्सिट्यूट कोई हो ही नहीं सकता। 1 स्पून में यहाँ पर दही ले रही हूँ। खट्टा हो तो और अच्छी बात है, वो हमारी स्किन को और अच्छे से क्लिंस करता है। इसको मैं अच्छे से मिक्स एंड मिक्स करूंगी। इसका बिल्कुल हमने फाइन पेस्ट बना लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। देन इसको मैं अप्लाई करूंगी। जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम आपने एज इट इज अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में अब आपने क्या करना है, हल्का हल्का इसको रब करना है, जिस तरीके से मैं आपको रब करके दिखा रही हूँ, सेम एज इट इज रब करना है। रब करने के 10 मिनट बाद आपको इसको वॉश कर लेना है, प्रॉपर ड्राई नहीं करना है, हल्का ड्राई करना है, और देन उसके बाद आपको इसको वॉश कर लेना है। अब आप देख सकते हैं वॉश करने के बाद मेरे फेस का रिजल्ट अमेजिंग रिजल्ट है। अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपके चेहरे पर 4 चांद लग जाएंगे, मतलब अल्टीमेट ग्लो आने वाला है। और जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, और जो दही होता है वो इतना एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी स्किन से जितनी भी पिगमेंटेशन है, डलनेस है, उसको हटाता है। मतलब जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट तीनों चीजें ऐड करी हैं वो इतनी पावरफुल है कि उसका रिजल्ट मैं क्या ही बताऊं। आप खुद ब खुद देखेंगे तो आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी कुछ नया देखना चाहते हैं तो अपनी शो को बहुत सारा प्यार दे। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।